बॉयलर के जा मचल गिला रहा पटना। जफरपुर 100 किलोमीटर, पटना 42 यानी कि 42 किलोमीटर फुटपाथ का लोग इस्तेमाल भी करने लगे हैं। देखिए भैया गाय लेके जा रहे हैं। ये पुराना वाला कोइलवर ब्रिज है और ये अब नया वाला कोइलवर ब्रिज है। पुल की लंबाई की बात करें तो 1.528 किलोमीटर। अब सोचो आपकी कनेक्टिविटी कितनी तेज होगी, गाड़ियां देखिए कितनी तेजी से गुजर रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी मैं जिस पुल पर खड़ा हूँ इसे अब्दुल बारी पुल कहते हैं और ये जो पुल है वो रेल और रोड दोनों के लिए ही बनाया गया है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जगह रोड है और यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं और इसके ऊपर से ट्रेन गुजरा करती है। लेकिन ये 160 साल पुराना अब्दुल बारी पुल अब जो है कि रिटायर हो चुका है। रिटायर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से अब गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए एक नया ऑप्शन ढूंढा गया, विकल्प ढूंढा गया, वो जस्ट इसके बगल में है। 6 लेन का कोइलवर पुल बन करके तैयार है और उसी पुल पर हम लोग शूट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले इस जगह के बारे में बात करना, इस जगह को दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। ये लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बहुत ही लंबा सा पुल है और इस पुल पर 160 साल से वो सभी चीज़ें हो रही थी जिसकी ज़रूरत कनेक्टिविटी के लिए थी इस सोन नदी पर। क्योंकि ये जो पुल है ना वो सोन नदी के ऊपर ही बना हुआ है, आरा से थोड़ा सा पहले और बीटा के थोड़ा सा बाद। तो अभी सीधे चलते हैं हम लोग कोइलवर वाले उस नए ब्रिज के ऊपर जिसकी बात सभी कर रहे हैं, जिसकी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। भाई को अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये जो गड़गड़ाहट आप फील कर रहे हैं ना, ये गड़गड़ाहट ट्रेन की है। जब ट्रेन यहाँ से गुजरती थी या फिर अभी भी जब गुजरती है तो ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है ना ये थरथराने लगता है। और हम लोग यहाँ से अभी आगे बढ़ेंगे उस जगह तक जहाँ से इस ब्रिज का अप्रोच रोड चालू हुआ है। तो अभी चलते हैं चेतक के ऊपर और मिलते हैं आपसे मोटर व्लॉगिंग मोड में। इस पुल के ऊपर राइड करने का अपना ही मजा है यार, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है ना उसको बयान नहीं किया जा सकता। आप विजुअल में फील कर पा रहे हो कि ये पुराना वाला जो कोइलवर ब्रिज है जिसका नाम है अब्दुल बारी पुल, इसकी खूबसूरती क्या गजब की है। तो ये वही पुराना वाला रोड है जो सीधे कोइलवर ब्रिज को कनेक्ट करता था यानी कि अब्दुल बारी पुल को, और वो जो आप सामने देख रहे हैं ना वो नया वाला ब्रिज है। अभी जो नीचे से रास्ता बना हुआ है ना इसके बगल बगल से हम लोग चलते हैं। कुछ दिनों बाद ये वाला सर्विस लेन हो जाएगा जिसका अभी काम चल रहा है। ये वो वाला प्लेस है जो कि अप्रोच है जो कनेक्ट करता है उस ब्रिज को इस वाले हाईवे से। और आपको बता दें कि ये जो हाईवे होने वाला है ना ये बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी के लिए भी कनेक्टिविटी होगा। अगर आप सपोज कर लो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पकड़ रहे हो तो उस एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए भी आपको इसी रोड से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो सोचो कि जो पहले अब्दुल बारी पुल का पतला होने की वजह से उस पर जो ट्रैफिक लगता था और जो बड़ी गाड़ियों को क्रॉस करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो अब उस समस्या से निजात मिल जाएगी। क्योंकि ये जो पुल बन रहा है ये 6 लेन का पुल है और 6 लेन इतना चौड़ा होता है कि उससे 2-3 गाड़ियाँ एक साथ गुजर सकती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तभी होती थी कि वो पुल हो चुका था पुराना और वो पूरा का पूरा लोहे के स्ट्रक्चर पर बना हुआ पुल था, इसलिए उस पर बड़ी गाड़ियों को क्रॉस कराने में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। एक लेन को बंद रखा जाता था तो दूसरे लेन को चालू किया जाता था। जब उधर से गाड़ियाँ आती थी तो इधर वाले लेन को बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब इस रोड के मिल जाने से बहुत ज़्यादा ही लोगों में खुशी होगी और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि कनेक्टिविटी बहुत तगड़ी हो जाएगी। अगर यूपी जाना है आपको तो ट्रैफिक की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर यूपी से बिहार आना है तो भी आपको ट्रैफिक से जूझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी से ही इस पर गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं क्योंकि इसका उद्घाटन हो चुका है और हम लोग अब यहाँ से चल रहे हैं ब्रिज के ऊपर और ब्रिज को भी देखते हैं कि आखिर वो ब्रिज बना कैसे, आखिर उसकी इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों हो रही थी। तो हम लोग वहाँ से आपसे बात कर रहे थे और आप इस पुल के ऊपर आ चुके हैं और ये अप्रोच रोड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना, आपने देखा ही होगा इतना ज़बरदस्त वाला व्यू आ रहा है। ये दोनों सर्विस लेन है अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए और यहाँ से हम लोग सीधा पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे। तो एकदम ब्रांड न्यू पुल है जो कि बन करके तैयार हो चुका है आपके लिए। तो वी आर हियर, अभी देखिए आ चुके हैं यहाँ पे। अभी भी जो बैनर पोस्टर्स हैं वो अभी भी लगे हुए हैं उद्घाटन के बाद भी,
क्योंकि पुल जो है बिल्कुल ही नया नया आज। पर ये जो शिलापट लगाया गया है उसको आप अगर ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये भारतमाला प्रगति के पथ पर अग्रसर, यानी कि ये भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ही ये जो हाईवे है वो बनाया गया है। और ये NH 30, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 266 यानी कि 266 करोड़ की लागत से NH 30 के कोइलवर में सोन नदी पर बने अपस्ट्रीम पुल। और ये देखिए ये पुराना वाला कोइलवर ब्रिज है जिस पर हम लोग थे उस समय, और ये अब नया वाला कोइलवर ब्रिज है जिसका आज उद्घाटन हो चुका है और गाड़ियां जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं। ये देखिएगा फुटपाथ, फुटपाथ भी काफ़ी चौड़ा है, मेरे हिसाब से ये 5 या 6 फीट का फुटपाथ है। सो फुटपाथ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं फुटपाथ पर हूँ, उधर रोड है, रोड पर जाना सही नहीं होगा तो इसलिए मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ। सब कुछ लगा दिया गया है यहाँ पर, यातायात पुलिस पटना, यानी कि ये पटना जिला में अभी है फिलहाल, तो यहाँ पर पटना का ही रूल रेगुलेशन फॉलो होता है और पुलिस भी यहाँ पटना की ही होती है। ये पुल जो है ना उस वक्त और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जिस वक्त सोन नदी में बाढ़ आती है। जब बरसात का मौसम आएगा ना तो ये जो नदी आपको खाली दिख रही है ये नदी खाली नहीं रहती, पूरा लबालब भरा रहता है और काफ़ी ऊपर तक इसमें पानी आ जाता है, तो उस समय ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है क्योंकि उसी समय एक्चुअल में डर लगता था उस पुराने वाले कोइलवर पुल के ऊपर। फुटपाथ का लोग इस्तेमाल भी करने लगे हैं, देखिए भैया गाय लेके जा रहे हैं, भैया अभी अच्छा हो गया ना आप जाने के लिए, चलिए बहुत ही अच्छा। यहाँ पर एक और भाई है हमारे साथ, भाई इधर आइए, इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका? रोहित। रोहित भाई ये बताइए कि अब कैसा लग रहा है ये जो पुल चालू हो गया, आप जो बन के तैयार हो गया? सही लग रहा है। सही लग रहा है ना, मतलब गाय भैंस जो ले जाने ले जाइए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, सब सुविधा। अच्छा पुरनका वाला से बढ़िया है या फिर कैसा है ये? अच्छा है, पुरनका वाला थोड़ा पतला हो गया था लेकिन ये वाला अब ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया है हम लोग। आप कहाँ के रहने वाले? छोटका चंदा। अच्छा तो आप लोग के लिए तो अच्छा हो गया अब ये पुल बन गया, बहुत बढ़िया हो गया। ये आपके लिए भी ठीक है ना भैया, हेलमेट वेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करिए मर्दे, हेलमेट आपकी सेफ्टी के लिए। तो सभी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा हो गया अब ये पुल बन करके जो तैयार हो चुका है। पुल की लंबाई की बात करें तो 1.528 किलोमीटर का इसका जो लंबाई है वो पूरा है और अब जो है कि उद्घाटन इसका हो चुका है तो लोग इस पर गाड़ियां भी दौड़ा रहे हैं और काफ़ी मस्ती से चल भी रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, गो स्लो, मतलब कि आपको धीरे चलना है। तो अभी हम लोग यहाँ से राइड करेंगे और राइड करके उस पार भी चलेंगे और देखेंगे कि राइड करने में कितना मज़ा आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये जो केबिन है ना ब्रिज के बीच में जो केबिन बनाया जाता है उसी केबिन के अंदर हम थे, थोड़ा सा धूप बहुत ज़्यादा था इसलिए हम लोग इसके अंदर आ गए, हवा बढ़िया चलता ना। राहुल का नाम है? रमेश प्रसाद। रमेश प्रसाद ठीक बा। रमेश सर हमरा के एक बात बताई कि राहुल एजे के रहे वाला है, मतलब कोई लवर के? हाँ परे हो। अच्छा तो जो पुलवा बन गया नयका, तो नयका पुल बनने से का लाभ बा का हानि भाई बताओ, जोर से बोलिए। आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। एगो बात बताओ कि जो नयका पुलवा बनल बा एक बनला से तो का फायदा बा? बहुत का फायदा बा, जाम पहले लागत रहे, अब जाम हम जाम से निजात मिल गए पब्लिक के, बहुत पहले शादी ब्याह में बहुत जाम लागत रहे, अब शादी ब्याह में जाम हम नहीं के लागत, आराम से आदमी जाता है आवता है। तो यहाँ पर यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना उनसे बात करना जरूरी मैं समझता था क्योंकि उन लोग की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अभी चलते हैं यहाँ से राइड करते हैं क्योंकि ये मशीन जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वाली वाइब है, फीलिंग है भाई, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि आप इतना ज़बरदस्त तरीके से राइड इस वाले लेन पर आप कर रहे हो और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सोचो आपकी कनेक्टिविटी कितनी तेज़ होगी, गाड़ियाँ देखिए कितनी तेज़ी से गुजर रही हैं। सो लीजिए भाई साहब पुल हो गया ख़त्म, इतनी जल्दी आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे आप यकीन करेंगे? मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में मुश्किल से मुझे लगा होगा ना तो एक मिनट से भी कम समय में हमने पुल को क्रॉस कर लिया और हम लोग इस पार आ चुके हैं। भैया क्या नाम है तुम्हार? मेरा नाम तेजू है। अच्छा तेजू भाई ये बताओ कि क्या कर लो तू, ये पानी बोतल और कुल पानी माजा फ्रूटी। हाँ अच्छा एक बात बताओ कि जो नयका पुलवा बन गिल बा एक बात से तोहन लोग कोनो नुकसान तो नहीं के ना भाई? ना कुछ कौन नुकसान नहीं के ना भाई? अच्छा क्या फर्क आइल बा पहले से अब में? पहले का रहे थे जाम उम लगत रहे, हाँ। रहे से जाम उम नहीं लगत, अब भैया के जाम चल गए आरा में या पटना में। अच्छा कोइलवर के जाम चल गया आरा पटना? आरा पटना, आरा पटना पूरा जाम लगा था, कोइलवर क्लियर रहता, कोइलवर अब क्लियर रहता, कोइलवर अब क्लियर रहो करी हमने के ऊपर से ये पर आवे में एको मिनट ना लगल, ना लगा बाइक से, बात सही बा। हाँ चलो तो सब कोई की ये कहल बटे भाई की एजा अब जाम निखे लगत, भैया तू ऐजे के रहे वाला होगा? जी भैया ऑटो चलाइए। ऑटो चला वाला तो कैसे लगा था अब नयका पुलवा बन लगा? बढ़िया लगा था, बहुत बढ़िया लगा था ना। चलो तो अब दोनों लेन स्टार्ट हो जाए कुछ दिन में तो और बढ़िया और बढ़िया हो जाए। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि जो पहले वाला ब्रिज था उसके बनिस्पत ये वाला ब्रिज काफ़ी अच्छा है और जो जाम की समस्या होती थी उस वाले ब्रिज पर क्योंकि वो बहुत पतला था
और उसके बाद बहुत पुराना हो जाने के कारण एक लेन पर जब गाड़ियां जाती थी तो दूसरा लेन बंद कर दिया जाता था और फिर इसी तरह से वन बाय वन करके चलता था। तो ये फर्क अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो वैसे आप लोग कोई ऑटो ऑटो में दिक्कत तो नहीं है ना? सब बढ़िया। चलिए ठीक है सर, ओके थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं अब इस पार, और इस पार आने के बाद आप साफ तौर पर वहाँ पर देख सकते हैं कि मुजफ्फरपुर 100 किलोमीटर, पटना 42 यानी कि 42 किलोमीटर, और गया 116 यानी कि 116 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर इस साइड जाएंगे तो ये वही वाली सड़क है जो आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यानी कि जो बक्सर गाजीपुर और उसके बाद लखनऊ होते हुए दिल्ली तक निकल जाएगा उस वाला एक्सप्रेसवे को ये वाला ब्रिज जो है वो ये वाला जो रोड है वो कनेक्ट करेगा, और कनेक्ट करते हुए काफ़ी तेज़ी से आप दिल्ली भी जा सकते हैं। अगर पटना से दिल्ली जाना है तो आपको इसी रोड में आना होगा, और अगर यूपी की तरफ से बिहार में एंटर करना है तो भी आपको इसी ब्रिज से हो करके जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा हमें भी इस चीज़ को शूट करके और लोगों की बातचीत को सुन करके भी बहुत ही अच्छा लगा। चलिए फिर आपका भाई साहब, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जैसे हम लोगों ने ड्रोन निकाला भैया कहते हैं कि देखा जहाज दे लो जो नाखिया से ना लोग नीचे से ऊपर से लगला। काफ़ी दिनों के बाद जब भोजपुरी बोलने का मौका मिलता है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ यार, क्योंकि भोजपुरी कभी कभी बोलने को मिलता है और मुझे भोजपुरी से बहुत प्यार है। जो लोग भी भोजपुरी बोलने वाले हैं कमेंट करो और बताओ कि आप लोग भोजपुरी कितना पसंद करते हो। भोजपुरी बोलने मज़ा आ रहा है, भोजपुरी के आपने मिठास, सही बात।